डीएवी एसए वन रिलेशन एंड फंक्शन से एक ट्विस्टेड और नया क्वेश्चन आया है. आपको गिवन है एफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. हमें एफ एक्स फाइंड करना है. ये कुछ अजीब सी वस्तु है, ठीक है. हमने क्या करा, जो भी अजीब सी वस्तु है उसे वाई मान लिया. कोई दिक्कत, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू कितना आ गया, वाई स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया वाई स्क्वायर माइनस टू. अब आप देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, एफ वाई किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर माइनस टू. आपको एफ वाई चाहिए या एफ एक्स चाहिए, तो वाई की जगह लिखा हमने एक्स, तो बन गया ये एक्स स्क्वायर माइनस टू और यही आपका आंसर है. अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसे पसंद नहीं आता तो एक मेथड और है आपके लिए खास. ये जो भी चीज़ लिखी हुई है मीन्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इसे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू और माइनस टू. हाँ या ना, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अब ये बन गया एक्स प्लस वन अपॉन का स्क्वायर माइनस का टू एफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स. अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दोनों साइड है, इसकी जगह हमने लिखा एक्स, तो राइट साइड में भी इसकी जगह लिखोगे एक्स और आ जाएगा आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू. फर्स्ट क्वेश्चन है और हमसे इसमें पूछा गया है कि एक फंक्शन गिवन है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स, इसका डोमेन निकालिए. देखिए डोमेन के वक्त हम लोग ये सोचते हैं क्या हमारा एक्स अपॉन में है, यस. क्या हमारा एक्स रूट में है, यस. तो दोनों ही प्रॉब्लम आ रही है. तीसरी बात, यहाँ आपके पास एक्स नहीं है, कॉस एक्स है, तो ट्रिगो भी है, अपॉन भी है, रूट भी है. तीनों बातों का ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को करेंगे. तो हम लोग ये जानते हैं जो भी रूट में होता है उसे हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बट क्योंकि ये अपॉन में है तो ये जीरो नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ अब की बार इसे ग्रेटर देन होना चाहिए. समझ में आ गई बात. अब देखो वन होना चाहिए ग्रेटर हमेशा किससे, कॉस एक्स से. तो वन की वैल्यू आपकी कॉस एक्स से ग्रेटर कब कब होती है, आपको ये बताना है. देखो अब यहाँ पर है कि कॉस एक्स हमेशा वन से छोटा हो, ऐसा कब होता है, जब एक्स की वैल्यू आपकी, देखो सेकंड क्वाड्रेंट कॉस की वैल्यू सिर्फ एक पॉइंट पर वन होती है, जीरो पे, अदरवाइज तो हर जगह ये वन से कम ही होती है. अच्छा तो हम लोग क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो हमारा एक्स है वो क्या है हमारा, वो हो जाएगा आपके पास क्या बनेगा यहाँ से, कॉस एक्स आपका वन से कम, मतलब सब कुछ होगा बस वन जीरो नहीं हो सकता. और कॉस की वैल्यू जीरो कब कब होती है, ये आपकी होती है कॉस जीरो नहीं हो सकता, और क्या 360 नहीं हो सकता, कॉस 180 तो वन हो जाता है, माइनस वन हो जाता है, ठीक है. जीरो नहीं हो सकता, 360 नहीं हो सकता, और 720 नहीं हो सकता, जीरो 360 720. हाँ तो देखो आपका x कुछ भी चलेगा बट आपका x जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो 2n पाई नहीं होना चाहिए. 2n पाई का मतलब देखो अगर मैं n की जगह जीरो लिखूं तो ये जीरो हो जाएगा, वन लिखूं तो 360 हो जाएगा, टू लिखूं 720 हो जाएगा. तो जीरो नहीं होना चाहिए, 360 होना चाहिए, 720 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलता रहेगा. कुछ पूछे थे, कोई डाउट इसमें. तो आपका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये आपका आ गया डोमेन ऑफ फंक्शन. सेकंड क्वेश्चन में हमें फंक्शन गिवन है वन अपॉन रूट में एक्स प्लस मोड एक्स,
हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। तो देखिए ये हमेशा होना चाहिए आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट क्योंकि अपॉन है तो इक्वल टू जीरो हम नहीं लिख रहे, ठीक है। अब आप सोचो कि जो अंदर के नंबर हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर मैंने एक्स की जगह जीरो लिखा तो जीरो प्लस जीरो क्या जीरो से ग्रेटर आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब जीरो लिखने की तो परमिशन नहीं है। अच्छा नेगेटिव का कोई नंबर सोचो, माइनस का वन, माइनस वन यहाँ लिखा, यहाँ माइनस वन, ये तो बन जाएगा जीरो। तो जीरो तो जीरो से ग्रेटर नहीं है। प्लस का कोई भी नंबर सोचो, टू टू फोर, तो आपके सिर्फ पॉजिटिव नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब आपका जो डोमेन है वो है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन है एक्स मोड एक्स। तो देखिए इसमें हम ये कह सकते हैं ना तो एक्स हमारा अपॉन में है ना ही एक्स हमारा रूट में है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए आपका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में फंक्शन है हमारे पास और हमें इसमें डोमेन फाइंड करना है। तो क्या हमारा एक्स अपॉन में है, रूट में है? नो। तो हम सिर्फ अपॉन वाली कंडीशन को सोचेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। इसका मतलब एक्स स्क्वायर क्या नहीं होना चाहिए? वन। इसका मतलब एक्स क्या नहीं होना चाहिए? प्लस माइनस वन। इसका मतलब डोमेन होगा आपका सारे रियल नंबर्स माइनस वन और वन को छोड़कर। फिफ्थ क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है 3x अपॉन 28 माइनस एक्स। तो आप देखो x आपका अपॉन में है जिसे क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। तो x क्या नहीं होना चाहिए? 28। तो आपका डोमेन आ गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 28 और यही हो गया आपका डोमेन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और हमें रेंज फाइंड करनी है। आपकी बार डोमेन हम लोगों ने फाइंड करे, तो आप देखिए जब क्वेश्चन y इक्वल टू में होता है और हम x के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब हम डोमेन के बारे में सोचते हैं। जब क्वेश्चन x इक्वल टू में हो जाता है और हम y के बारे में सोचते हैं तो हम रेंज के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ से हमने x इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आया 2y माइनस 3 अपॉन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2y माइनस 3 अपॉन में आ गया y। अब क्वेश्चन x इक्वल टू में कन्वर्ट हो चुका है तो हमें रेंज निकालनी है। रेंज निकालनी है तो हम सोचेंगे y के बारे में। क्या हमारा y अपॉन में है, रूट में है? यस। तो हमें दोनों बातों का ध्यान रखना है। इनफैक्ट हम लोग ये ध्यान रखेंगे 2y माइनस 3 अपॉन y ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, साथ में y आपका जीरो नहीं हो सकता। ये दो बातें हमारे पास। अब देखिए यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आपके पास क्या क्या आते हैं। डिनोमिनेटर को जीरो रखो तो जीरो आता है, न्यूमरेटर को जीरो रखो तो 3/2 आता है। ये ऐसे, ये ऐसे, y जीरो नहीं हो सकता। तो ये तो क्रॉस लग गया यहाँ पर। अच्छा अब 3/2 से बड़ा कोई नंबर सोचो, 2 सोच लें क्योंकि 3/2 का मतलब 1.5 है। तो हमने 2 सोचा, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 अपॉन 2। क्या 1 अपॉन 2 जीरो से ग्रेटर है? यस। ठीक है, 0 3/2 के बीच में 1 सोचा, 1 को यहाँ रखा, 2 माइनस 3 माइनस का 1। क्या माइनस का नंबर जीरो से बड़ा है? नो। जीरो से छोटा नंबर सोचा माइनस का 1, माइनस का 1 सोचा तो माइनस 2 माइनस 3 कितने आ गए? माइनस के 5 माइनस के 1, तो 5 आया। क्या ये जीरो से ग्रेटर है? यस। अच्छा फिर 3/2 को सोचा, 3/2 लिखा तो ये पूरा बन गया जीरो। क्या जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? यस। तो आपके पास में जो आंसर आ रहा है, जो रेंज आ रही है, वो आ रही है माइनस इन्फिनिटी से जीरो नॉट इंक्लूडेड
और 3/2 से इन्फिनिटी का यूनियन, और ये बन गई आपकी रेंज। सेकेंड पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है 1-, मोड में x-2। तो देखिए आपके पास ये 1- मोड में x-2 है, इसकी रेंज को हम ऑब्जर्व करेंगे। जो मोडलस होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं, सिग्नम फंक्शन होते हैं, तो इनकी रेंज को हम ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली x इक्वल टू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाते। ठीक है, अब आप सोचो इससे जो भी वैल्यू आएगी या तो जीरो आएगी या पॉजिटिव आएगी, क्योंकि मोड से माइनस का आंसर तो नहीं आ सकता। अगर 1 में से मैंने 0 को माइनस करा तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 से। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह देखो मोड की वैल्यू सबसे छोटी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, इससे तो 1 आंसर आ जाएगा। और आप देखो यहाँ से कोई भी पॉजिटिव वैल्यू सोचो, 0 से जस्ट बड़ी सोचो, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। एक काम करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। तो जब आपने इस मोड की जगह 0 लिखा था तो आंसर क्या आया था 1 आया था। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है हमारे आंसर किस डायरेक्शन में आएंगे, राइट में आएंगे या लेफ्ट में आएंगे। जैसे आपने यहाँ पे x की जगह कुछ और लिखा, कुछ भी लिखा, सपोज आपने x की जगह 1 लिख दिया, तो 1-2 से कितना आया -1 का मोड कितना आया 1, 1-1 क्या हो गया 0, इधर आया। 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, लो 100 लिखा, 100-2 करा 98, 1-98 माइनस का 97 इधर आ रहा है। 50 लिखेंगे इधर आ रहा है, सारे आंसर किधर आ रहे हैं इधर आ रहे हैं। तो आपकी जो रेंज आएगी वो हो जाएगी -∞ से लेकर 1 तक, और 1 आएगी इन्फिनिटी कभी नहीं आएगी। थर्ड पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है मोड में x-3। आप सभी जानते हैं मोड से अगर हम सोचें कौन कौन से आंसर आ सकते हैं, 0 आंसर आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, नहीं। तो हमें ये तो पता चल गया हमारी जो रेंज आएगी वो 0 आ सकती है या पॉजिटिव आ सकती है। फिर भी एक्स्ट्रा समझने के लिए हमने 0 मार्क कर लिया, इधर इन्फिनिटी, इधर -∞। मैंने x की जगह 0 लिखा तो 0-3 से कितना आया 3, 3 का मोड -3 आया, मोड बन गया हमारा 3, आंसर इधर आया। ठीक है, मैंने x की जगह 3 लिखा तो 3-3 से 0 आया। मैंने x की जगह 1 लिखा, 1-3 से आंसर 2 आया मोड में। मैंने 3.1 लिखा, 3.1-3 करा 0.1 यहाँ आ गया। ठीक है, मैंने 2.99 लिखा, 2.99-3 करेंगे तो 0.01 वो यहीं आ गया। तो आप देख रहे हो आंसर यहाँ आ रहे हैं, 0 आया या बाकी सारे राइट साइड में, क्योंकि हमने पहले भी देख लिया था, ऑब्जर्व करा था, या तो 0 आएगा या पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पूरी राइट साइड। तो आपकी जो रेंज बनी वो बनी 0 से लेकर इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड, 0 इंक्लूडेड। फोर्थ पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है 1+cos 3x, और हमें इसकी रेंज निकाल लिया। अच्छा, वैसे अगर डोमेन के बारे में सोचें तो क्या हमारा x अपॉन में है, नो, रूट में है, नो, तो इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। पिछले क्वेश्चन में भी यही आ रहा था। अब ये रेंज की बात आती है तो हमें कॉस पर ध्यान देना होगा। कॉस से सबसे छोटा आंसर आता है -1 और सबसे बड़ा आंसर आता है 1। अगर देखो -1 आया तो ये बन जाएगा 1-1, और अगर इससे +1 आया तो बन जाएगा 1+1। तो सबसे छोटा आंसर बनेगा 0, सबसे बड़ा आंसर बनेगा 2, और बीच में कुछ भी आ सकता है। तो इसकी रेंज बनी 0 से स्टार्ट होके 2 तक कुछ भी। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए। देखो आप बेटा यहाँ पर x की जगह
मैंने पाई बाई सिक्स लिख दिया, ठीक है, तो थ्री से सिक्स कैंसिल हुआ, बन गया पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू कितना होता है, जीरो, है ना, पाई बाई टू कॉस नाइन्टी, कॉस नाइन्टी की वैल्यू हो गई जीरो, आंसर कितना आया, वन आया, इनके बीच में ही आ रहा है, ठीक है। मैंने एक्स की जगह लिखा 60 डिग्री, ठीक है, तो 3 × 60 करेंगे, बन गया कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, तो वन माइनस वन से आंसर कितना आया, जीरो। एक्चुअली हमें एक बात पता है, साइन और कॉस दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे सबसे छोटा आंसर आता है माइनस वन, सबसे बड़ा आंसर आता है वन। अगर यहाँ से सबसे छोटा आया, सबसे छोटा आया, तो वन और माइनस वन, वन और माइनस वन, इससे सबसे छोटा आंसर आ गया माइनस वन, तो वन और माइनस वन मिलके हमारा आंसर कितना जाएगा, पूरा मिलके जीरो। और अगर यहाँ से सबसे बड़ा आंसर आया तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है, टू, कम से कम कितना आ सकता है, जीरो, और बाकी जो भी आएंगे वो इनके बीच में ही आएंगे, क्योंकि कॉस से कोई भी आंसर आ सकता है माइनस वन और वन के बीच में, तो आपकी रेंज हो गई जीरो से लेकर टू तक। थर्ड क्वेश्चन में हमें रीडिफाइन करना है फंक्शन को। रीडिफाइन फंक्शन करने का मतलब होता है आप इसे मॉडुलस से फ्री कर दें, ठीक है, और इसे अलग अलग इंटरवल्स में इसकी वैल्यू बताएं। थोड़ा अजीब सा प्रोसेस है, समझना ध्यान से। इससे पहले मैं आपको मोड के बारे में सिखाना चाहूँगा। मोड जो होता है वो या तो माइनस एक्स आता है या एक्स आता है। आपको ये लग रहा होगा मोड से माइनस आंसर कभी नहीं आता है। अब सुनो, अगर एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है तो ये आता है, अगर एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से ग्रेटर है तो ये आता है। सोचो एक्स की वैल्यू माइनस थ्री है, मोड के अंदर क्या है, माइनस थ्री, तो एक माइनस है और एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री, तो माइनस माइनस मिलके कितना आ गया, थ्री। ये वैल्यू दिखती नेगेटिव है पर होती पॉजिटिव है। जब एक्स नेगेटिव होता है तो हम उस नेगेटिव नंबर पर एक और माइनस लगा देते हैं जिससे वो हमेशा प्लस हो जाता है। ये मोड की डेफिनेशन होती है। मोड हमेशा पॉजिटिव क्यों हो जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर के लिए एक और नेगेटिव इम्पोज कर देता है। अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो जो अंदर है वही आ जाता है, पॉजिटिव है तो जो अंदर है वही आ जाता है। तो अगर मोड से आंसर आ रहा है माइनस में तो एक माइनस तुम और लगा दो तो वो हमेशा हो जाएगा प्लस। ये मोड की डेफिनेशन। और अगर अंदर आ रहा है प्लस तो जैसा है वैसा ही लिख दो, पॉजिटिव है सेम लिख दो, जीरो है सेम लिख दो, अंदर नेगेटिव है अंदर तो एक माइनस आप अपनी तरफ से लगा दो तो वो भी हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मोड की डेफिनेशन समझ में आई आपको, यहाँ से मोड वर्क कैसे करता है। अब मोड की समस्या शुरू कहाँ से होती है, मोड वहाँ से प्रॉब्लम फील करता है जहाँ इसकी वैल्यू जीरो होती है। तो मोड का क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ मोड जीरो होता है। आप देखो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से क्या आया, एक्स इक्वल टू टू, और एक क्या आया, माइनस का टू। तो आपको इन्होंने बोला है इस क्वेश्चन को माइनस थ्री से थ्री के बीच में सोचिए, तो हमने क्या करा, एक नंबर लाइन बनाई, हमने एक माइनस थ्री लिया, इनफैक्ट इसे डार्क करा क्योंकि इन्होंने इक्वल टू बोला है, एक हमने प्लस थ्री लिया, हमने इसे भी डार्क कर दिया, फिर हमने देखा हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट माइनस टू है और एक क्रिटिकल पॉइंट आया टू है। तो आपके पास में इंटरवल कितने आए, एक फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, आपको यहाँ कुछ सोचना है, आपको यहाँ भी कुछ सोचना है, आपको यहाँ भी कुछ सोचना है, ठीक है। फर्स्ट इंटरवल मतलब मैं इस फंक्शन को, हम फंक्शन को सोच रहे हैं माइनस थ्री से माइनस टू तक, ठीक है। तो देखो आपका एफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस थ्री और माइनस टू के बीच का कोई नंबर सोचो, माइनस का 2.5 सोच लूँ, ठीक है, माइनस का 2.5 मैंने यहाँ लिखा, तो माइनस का 2.5 और माइनस टू दोनों मिलकर होंगे नेगेटिव। अगर अंदर से नेगेटिव आता है तो हम लोग एक नेगेटिव अपनी तरफ से लगा देते हैं। इस इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू लोगे उसे यहाँ लिखने पर माइनस अंदर आएगा,
अगर अंदर माइनस आएगा तो हम उसे खत्म करने के लिए एक और माइनस लगा देंगे। तो अब ये मोड खत्म हो गया, ये सिंपल ब्रैकेट आ गया। अब माइनस का 2.5 है, हमने माइनस का 2.5 सोचा हुआ है ना, उसे यहाँ लिखेंगे, उसे यहाँ लिखेंगे, तो अंदर से अब भी वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, ये अब भी हम लोग एक माइनस और लगा देंगे, तो सॉल्व करने पर ये आया माइनस का एक्स प्लस का टू माइनस का टू माइनस का एक्स, और ये इक्वल टू हो गया माइनस का 2x। ठीक है, अब आप सोचो, हम लोगों ने नंबर सोचा था माइनस का 2.5, आप यहाँ लिख के देखो माइनस का 2.5 और माइनस का 2 मिलकर हो गए माइनस का 4.5, का मोड लिया बन गया 4.5, यहाँ लिखा माइनस का 2.5 और प्लस का 2, तो आ गया माइनस का 0.5, का मोड बन गया 0.5, पहले से आया 4.5 दूसरे से आया 0.5, मिलकर कितना आया 5। डायरेक्ट देखो एक्स की जगह माइनस का 2.5 डालो, आंसर 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने उस फंक्शन को उससे कैलकुलेट नहीं करा, उससे तो मैं आपको दिखा रहा था, हमने इससे कैलकुलेट करा, तो दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमने उस फंक्शन को इस इंटरवल के लिए नया नाम दे दिया, इस इंटरवल में ये पूरा का पूरा फंक्शन सिर्फ -2x से ही कैलकुलेट हो जाएगा। हमने इसे रीडिफाइन कर दिया, नया फंक्शन बना दिया, इंटरवल के अकॉर्डिंग बनाया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट इंटरवल अगर हम देखें तो एक है -2 से लेकर 2 तक। अभी -2 और 2 के बीच का एक नंबर 0 सोचा, अगर मैं 0 यहाँ लिखूं, वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है बताओ, नेगेटिव आ रही है। अगर नेगेटिव आती है तो हम लोग भी एक लगा देते हैं माइनस, यहाँ पे वैल्यू डाली 0, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करा तो -x प्लस 2 प्लस 2 प्लस एक्स, तो आप देखो इससे क्या आया 4 आया। इसका मतलब -2 और 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो आप, 1.3974, आंसर क्या आना है, हमेशा 4 ही आना है। चेक करके देखो आप लोग, कोई भी वैल्यू ले लो -2 और 2 के बीच में, मैंने 1.7 ली सपोज, 1.7 यहाँ पे लिखा कितना आया, 1.7 -2 का तो 0.3, 1.7 प्लस 2 का तो 3.7, और 0.3 मिलकर कितने आए 4। कोई भी वैल्यू लोगे आंसर हमेशा इस इंटरवल में 4 ही आएगा। तो ये फिर से रीडिफाइन करा, इस इंटरवल के लिए ये हमेशा 4 वैल्यू देगा, पहले वाले इंटरवल के लिए हमेशा माइनस का 2x देगा। अब देखते हैं अगला, अगला हमारे पास है 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और 3 तक जा रहे हैं। तो अब कोई नंबर सोचा हमने 2.5, 2.5 यहाँ लिखेंगे वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव, तो रीडिफाइन करने पर ये तो आपका आ गया एक्स माइनस टू, और यहाँ भी पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ये बन गया 2 प्लस एक्स, 2 से 2 गया और आ गया आपके पास 2x। 2 और 3 के बीच में मैंने 2.1 लिया, तो आंसर क्या आना चाहिए 4.2। चेक करते हैं 2.1 माइनस 2 कितना आया 0.1, और 2 प्लस 2.1 4.1, 4.1 और 0.1 मिलके कितने आ रहे हैं 4.2। तो आपने अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग फंक्शन काम कर रहा है, तो इस फंक्शन को अब लिखा जाएगा ऐसे कि ये फंक्शन अब बन चुका है एक पीस वाइज फंक्शन, जिसके हमने पीस कर दिए हैं, ये तरबूज कट गया है, एक एक पीस बन गया, इसीलिए इसका नाम होता है पीस वाइज फंक्शन। और ये हमारे पास आ रहा है, एक होता है -2x, एक है आपका 4, और नेक्स्ट आया है आपके पास 2x। ये कब है, ये जब है जब x की वैल्यू -3 से -2, और यहाँ हमने लिया -2 से 2, और यहाँ हमने लिया 2 से 3। देखो ऐसा है, ये जो डबल है ना, ये जो है आपका इक्वल टू मार्क है, अब आप ऊपर भी लगाओगे यहाँ भी लगाओगे फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, बट जनरली हमें इसे एक ही जगह लगाना चाहिए। तो आप या तो वहां लगा सकते थे, मैंने सोचा एक वहां लगा दिया, एक यहाँ लगा देंगे, फिर एक इसमें लगा देंगे, इसमें फिर देखा इस वाले को भी लेना है, तो फिर हमें दो दो लगाने पड़ गए। आपको डिजाइन अच्छा ही लग रहा है, एक काम करो यहाँ बना दो, ऊपर एक नीचे एक, और यहाँ पे दोनों, तो आपका फंक्शन डिफाइन हो गया अलग अलग इंटरवल्स के लिए। एग्जाम्पल के 20th क्वेश्चन में हमें फंक्शन गिवन है,
और हमें फर्स्ट पार्ट में शो करना है कि f1 upon x equal to minus का fx. तो f1 upon x is equal to minus का fx. फर्स्ट पार्ट को करते हैं. आप देखो x की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 upon x. तो राइट साइड में भी अगर आपको f1 upon x निकालना है तो आप x की जगह क्या लिख दो, 1 upon x. तो ये x की जगह आया 1 upon x, फिर से आया 1 upon x plus 1, थोड़ा एलसीएम लिया 1 minus x upon x, फिर बन गया 1 plus x upon x, x से कैंसिल हो गया x. तो आप देखिए f1 upon x हमारे पास 1 minus x upon 1 plus x है, ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो बन जाता है x minus 1 और अपॉन में x plus 1. ये आपके पास में देखिए क्या है, ये तो एफ एक्स ही है और यही आपको प्रूफ करना था. ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? आसान था. सेकंड पार्ट में हमें एफ माइनस वन अपॉन एक्स है तो ये वैल्यू फाइंड करनी है एफ के साथ माइनस के वन अपॉन एक्स की. आप देखो एक्स की जगह अब की बार आपको क्या दिखाई दे रहा है, माइनस का वन अपॉन एक्स. तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पुट करोगे माइनस का वन अपॉन एक्स. तो ये आया माइनस का वन अपॉन एक्स माइनस वन, फिर आया माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस में आया वन, तो बन गया माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स से कैंसिल हो गया एक्स. पर से माइनस कॉमन लिया तो बन गया एक्स प्लस वन और अपॉन में है एक्स माइनस वन. ठीक है, अब देखो ये मैच तो कर रहा है बट यहाँ पर है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन. तो इसे हम मान लें ये तो रेसिप्रोकल करके लिखा हुआ है, इसीलिए हमने लिख दिया इसे वन अपॉन एफ एक्स. और अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि वन अपॉन एफ एक्स क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन. इसलिए x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन को हमने लिख दिया वन अपॉन एफ एक्स और यही हमको प्रूव करना था. एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है और प्रूव करना है एफ वाई आपका x है. ठीक है, देखो आपको जो चीज प्रूव करनी है उसमें आपको एफ वाई चाहिए. ठीक है, ओके. एफ वाई का मतलब वैसे क्या होगा, अगर हम एफ वाई की वैल्यू निकालें तो एफ वाई इक्वल टू हो जाएगा ए वाई माइनस बी के साथ सी वाई माइनस ए. ठीक है, अब सुनो, सबसे पहली चीज एफ एक्स का ही दूसरा नाम होता है वाई, ये बात तो पता है आपको, सही है. तो आपके पास y की वैल्यू है या नहीं है, y की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो y की वैल्यू क्या है, ए एक्स माइनस बी अपॉन में सी एक्स माइनस ए माइनस का b अपॉन में c के साथ ए एक्स माइनस बी और सी एक्स माइनस ए माइनस का a. थोड़ा एलसीएम लेते हैं तो ये आया ए स्क्वायर एक्स माइनस बी ए. ठीक है, और माइनस का बी सी एक्स प्लस में ए बी के अपॉन में कौन है सी एक्स माइनस ए के फुल अपॉन में ए सी एक्स माइनस बी सी ए सी एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन में सी एक्स माइनस ए. ये ए बी से ए बी कैंसिल और यहाँ ए सी एक्स से ए सी एक्स कैंसिल. ऊपर देखो एक्स कॉमन आ रहा है तो बचा हमारे पास ए सी, एक्स कॉमन आ रहा तो बचा ए स्क्वायर माइनस बी सी. और डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पर भी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी सी, तो इसे लिख दिया हमने ए स्क्वायर माइनस बी सी. ये कैंसिल हो गए, ये आपका एक्स आ गया, यही हमें प्रूव करना था. क्वेश्चन नंबर 24 में हमें
ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है एम और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है एन, हमें बताना है कि ए टू बी में कितने टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस होंगे। देखिए नंबर ऑफ रिलेशंस की बात चल रही है बट ये नॉन एम्प्टी करके कुछ नया आ गया। आप ये देखो, हम ये देखते हैं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, एन ए इंटू एन बी, तो ये आ गया एम एन, ठीक है। और नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब होता है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी का मतलब होता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ जाएंगे, 2^m n, 2^m होते हैं हमेशा नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। तो अब जो सबसेट्स होते हैं उनमें एक फाई भी जरूर होता है और फाई का मतलब होता है एम्प्टी रिलेशन और इन्होंने कौन से पूछे, नॉन एम्प्टी, तो देयरफॉर नॉन एम्प्टी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आपके पास क्या हो जाएंगे, 2^m n-1, और ये हमने किसे माइनस करा है, फाई को हटा दिया, समझ में आ गया। टेस्ट में सेट ए में आपका क्वेश्चन नंबर 8 आया था जिसमें हमें डोमेन रेंज फाइंड करने थे, f-3 फाइंड करना था और हमें ये बताना था कौन सा नंबर है जो एसोसिएट हो रहा है आपका 43 इसकी रेंज में, ठीक है। तो पहले हमारे पास ये फंक्शन है जो है 3x² - 5, क्या हमारा x अपॉन में है, नो, रूट में है, नो, तो आपका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। बट अब देखो y इक्वल टू है 3x² - 5, तो यहाँ से y प्लस 5 इक्वल टू आ गया 3x² और x² इक्वल टू आ गया y प्लस 5 अपॉन 3 और x इक्वल टू आ गया रूट में y प्लस 5 अपॉन 3, ठीक है, प्लस माइनस भी लगाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन x इक्वल टू में है, इसका मतलब अब y के बारे में सोचेंगे तो हम रेंज के बारे में सोचेंगे, तो हमें पता लगा, हम ये बात जानते हैं कि y प्लस 5 अपॉन 3 मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो y प्लस 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू डेफिनेटली माइनस 5 से ग्रेटर ही होगी और ये हो जाएगी आपकी रेंज। तो रेंज आप बोलोगे हो गई -5 से लेकर इन्फिनिटी और -5 भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, रेंज आ गई। अब हमें वैल्यू निकालनी है f-3 की, क्योंकि देखो आपके पास fx कितना है 3x² - 5, तो x की जगह -3 लिखा, 3 के साथ -3 का स्क्वायर -5, तो ये हो गया 27 - 5 और आ गया आपके पास 22। अब उन्होंने कहा वो नंबर निकालो जो एसोसिएटेड है 43 से इसकी रेंज में, मतलब रेंज में 43 के साथ कौन सा नंबर एसोसिएट हो जाएगा। तो आप देखो रेंज में है इसका मतलब ये वाई है, वाई है इसका मतलब ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 43, तो ये हो जाएगा 3x² - 5 और 3x² इक्वल टू हो गया 48, तो x² इक्वल टू हो गया 16 और x की वैल्यू आ गई +-4। तो ये दो नंबर ऐसे हैं 4 और -4 जो अगर हम x की जगह पुट करेंगे तो हमारा आंसर 43 आ जाएगा। 25th क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप लोगों को याद होगा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिखाया गया था। अभी आपको दिक्कत ना आए तो थोड़ी देर के लिए इसे हम t मान लेते हैं, तो ये आपके पास आ गया t² - 5t+6 = 0, इसके फैक्टर करें तो t-2 के साथ t-3 = 0, तो t की वैल्यू 2 आ गई या 3 आ गई। अब देखो t मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
टी मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो देखो अब हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पर थोड़ा सोचते हैं। हमने 2 लिखा, हमने 3 लिखा, हमने 1 भी लिख लिया, चलो 4 भी लिख लिया, जरूरत नहीं है वैसे। आप देखो अगर मैं 4 से बड़ा कोई नंबर लूँ तो क्या ये कभी 2 के इक्वल आ पाएगा? नहीं। 4 लूंगा? नहीं। 3 और 4 के बीच का कोई नंबर 3.1 लूंगा? नहीं। 3 लिखूँ, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आएगा? नहीं। 2.9 लिखूँ, 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से वैल्यू आनी शुरू हो गई, 2.5 से भी 2 आएगा, 2.1 से भी 2 आएगा, 2 से भी 2 आएगा, बट 1.9 से नहीं आएगा। तो हमारे पास एक आंसर आया कि हमारा जो एक्स है वो 2 से लेकर 3 तक हो सकता है। फिर यहाँ से देखने लगे तो अब देखो ये सजेस्ट करता है कि हमने एक तो 3 ले लिया, एक 2 ले लिया, एक 4 ले लिया, एक 5, 5 से नहीं, 4 और 5 के बीच में 4.2 लो, नहीं, 4 लेंगे तब भी नहीं, 4 से ज़रा सा छोटा लिया, यस। तो यहाँ से आने शुरू हो गए, कब तक आए? 3 तक आए, 3 से थोड़ा सा छोटा लिया, 2.9, 2.9 से 3 आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आया 3 से लेके 4 तक। अब देखो 2 से 3, 3 नहीं आया था बट वहाँ से 3 आ गया, तो आप कह सकते हो इनको कंबाइन करें अगर तो हमारा आंसर 2 से लेकर 4 तक आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक सेट ए गिवन है, बी गिवन है और हमें नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने हैं फ्रॉम ए टू बी। देखिए नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला आपको वैसे तो बताया हुआ है, 2^n a × n b, तो ये हो जाएगा 3 × 4 और 2^12। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ए क्रॉस ए को बिलोंग करने वाले 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। आप देखो ऑर्डर्ड पेयर में -1 0 है, तो फर्स्ट एलिमेंट भी ए को बिलोंग करेगा और सेकंड भी ए को, तो इसलिए ए में कौन कौन आएंगे? ए में आपके पास आएगा एक तो -1 आया, 0 आया, इसका भी ये भी ए को बिलोंग करता है, ये भी ए को, तो आपके पास में आ गया ये 1। वैसे भी आप देखो एन ए क्रॉस ए का मतलब हो गया na × na = 9, देयरफॉर ए में कितने आने चाहिए थे? 3 आ गए आपके। फिर आपको जस्ट क्या करना है, ए क्रॉस ए निकाल देना है, उसके लिए क्या करोगे, -1 0 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे -1 0 1 के साथ और आप इसे निकालते चले जाओगे, एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा 1 1। क्वेश्चन नंबर 8 आया है केवी में, इसमें हमें डोमेन रेंज फाइंड करनी है गिवन फंक्शन के लिए। आप देखिए डिनोमिनेटर में एक्स है और रूट भी है, तो रूट कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू की तो परमिशन होगी नहीं अब की बार। अब एक्स जो है वो अपने मोड से ज़्यादा हो। सोचो अगर मैं यहाँ पर -2 लिख दूँ, 0 लिख दूँ, क्या 0 0 से ग्रेटर हो जाएगा? नहीं। -2 का मोड 2 और इधर आया -2, क्या ये ग्रेटर हो पाएगा? नहीं। 2 लिखा, नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। तो अच्छा एक बार और भी तो हो गई, इसे उधर जाना था, माइनस भी तो होना था, अब दोबारा से सोचना पड़ेगा, ठीक है, माइनस का ध्यान नहीं रखा। अच्छा आपको एक बात और बताई थी, मोड से 2 वैल्यूज आती हैं, एक तो -x और एक प्लस, ये कब आती है? जब x 0 से छोटा हो, और ये कब आती है? जब x 0 से बड़ा हो। अगर सोचो मैंने यहाँ -x लिख दिया तो नीचे क्या बन जाएगा, x - x, और x - x क्या हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 0, और अगर मैंने इसकी जगह x लिख दिया तो ये बन जाएगा x + x, जो बन जाएगा 2x, ठीक है। और एक केस और भी है, अगर कभी मैंने x की जगह 0 सोच लिया तो नीचे क्या बन जाएगा, 0, तो 0 सोचने की परमिशन नहीं, 0 से छोटा सोचने की परमिशन नहीं,
क्योंकि सेविंग अकाउंट में क्या बन जाएगा, जीरो। रख के देखो माइनस टू, अगर मैं माइनस टू लिख दूं और यहां बोर्ड में माइनस टू, तो माइनस टू से क्या आ गया, टू, टू और माइनस टू मिलकर जीरो, तो इसका मतलब खत्म हो जाएगा। तो आप नेगेटिव भी नहीं लिख सकते, जीरो भी नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हो, सिर्फ पॉजिटिव। तो आपका डोमेन तो आया ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब जब आप यहाँ पर पॉजिटिव नंबर लिखोगे, ये भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव सब कुछ रूट से कैसा आंसर आता है, पॉजिटिव। तो आपकी रेंज भी क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। देखिए हमारे पास एक रिलेशन है जो Q टू Q डिफाइन हो रहा है। Q टू Q डिफाइन होने का मतलब ये है कि हमारे पास रिलेशन में पेयर आएंगे। मतलब आपके पास कोई सेट होता है, एक और सेट होता है, उनका कार्टिजन प्रोडक्ट निकालते तो पेयर आ जाते हैं। तो आपके पास बहुत सारे पेयर हैं, वो ऐसे हैं कि पहला भी रैशनल नंबर है, दूसरा भी रैशनल नंबर है, पहला भी रैशनल नंबर और दूसरा भी रैशनल नंबर है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो वो एक इंटीजर आना चाहिए। तो अब आपको क्या सोचना है, दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, जीरो भी रैशनल होता है, टू रैशनल है, टू अपॉन थ्री रैशनल है, जो अपॉन वाले होते हैं वो सभी रैशनल है। दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर हैं और माइनस करने पर जिनसे इंटीजर आता है, वो दुनिया के सारे पेयर हमने आर में लिख दिए। लिख तो नहीं सकते इस वक्त, हम तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वो होंगे इनफाइनाइट। पर एक बात पता है कि इन दोनों को माइनस करके इंटीजर आ रहा है, ये दोनों मेरे रैशनल आ रहे हैं, ठीक। अब हमें बताना है कि क्या ये वाला पेयर आर में होगा, और अगर ये आर में होगा तो क्या ये भी आर में होगा, ये दोनों आर में होंगे तो क्या ये आर में होगा या नहीं होगा। इसे दूसरे तरीके से समझो, ए इस वाले को समझो, उन्होंने कहा ए बी आर में है, इसका मतलब ए और बी दोनों रैशनल हैं, और आर में होने पे एक कंडीशन और भी थी, ए माइनस बी क्या आ रहा है, इंटीजर। तो अब पता लगाओ क्या बी ए आर में होगा। तो सुनो, ए रैशनल था, बी रैशनल था, तो बी रैशनल है और ए रैशनल है, रैशनल रैशनल है, ठीक बात। तो रैशनल वाली कंडीशन तो पूरी हो रही है भाई, इन दोनों का रैशनल होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों को माइनस करने पे क्या आना चाहिए, इंटीजर। यहां से हमें पता है ए माइनस बी इंटीजर है, तो बी माइनस ए इंटीजर होगा या नहीं होगा। अगर ए माइनस बी इंटीजर है तो बी माइनस ए भी इंटीजर होगा, क्योंकि टू माइनस थ्री अगर इंटीजर आ रहा है तो थ्री माइनस टू भी इंटीजर आएगा, साइन ही तो बदलेगा बस। तो इसे ऐसे ही लिखेंगे। अब जो देखो ए ए रैशनल है, रैशनल है, ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या कहती है, ए माइनस ए क्या आ रहा है, जीरो। क्या ये इंटीजर है या नहीं, इंटीजर है, जीरो इंटीजर होता है ना। तो देखो रैशनल की कंडीशन भी पूरी करी, इंटीजर माइनस करने पर इंटीजर की कंडीशन भी पूरी करी, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा, ये हमारा ट्रू आया है, तो आप कह दो देयरफॉर दिस इज ट्रू। ट्रू का मतलब है ए ए बिलोंग्स टू आर, ये बात सही है। सही मतलब, क्योंकि इससे आने वाली हर बात सही है, इसलिए ये बात भी सही है। अब उन्होंने कहा ये है, तो पता लगाओ ये सही है या गलत। ये है, ये है का मतलब a माइनस बी कैसा है मेरा, इंटीजर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं b माइनस ए मेरा इंटीजर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो b माइनस ए भी मेरा कैसा आ रहा है, इंटीजर। क्यों, क्योंकि हमें पता है, गिवन है, a माइनस बी इंटीजर है, इसलिए b माइनस ए इंटीजर है, क्योंकि a माइनस बी इंटीजर गिवन है। ये गिवन है, इसे चेक करना है, ये दोनों गिवन है, इसे चेक करना है। अगर ये दोनों गिवन है तो इससे क्या पता चला, a माइनस बी मेरा क्या है, कोई इंटीजर, और ये भी गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया,
बी माइनस सी भी मेरा क्या है, इंटीजर, दूसरा इंटीजर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पता लगाना है यार ए माइनस सी मेरा इंटीजर है या नहीं। मैंने इनको प्लस कर लिया, क्या आया ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी जेड वन प्लस जेड टू, क्या आ गया ए माइनस सी। इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है, और लाना क्या था इंटीजर। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, ट्रू हो गया। एक और बात बता रहा हूं अलग से, अगर ये बात ट्रू होती है तो इस बात को कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव। हम ये कहेंगे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अगर अलट पलट वाली बात ट्रू हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। और अगर ये दो के बाद तीसरे के चेक की बात ट्रू हो जाती है तो हम कहते हैं ये ट्रांजिटिव है। और अगर किसी में ये तीनों ही पूरी हो जाए तो उसे बोलते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अजीब सा 29 क्वेश्चन आया है ये डीएवी एसए 1 में। इसमें कहते हैं कि आर एक रिलेशन है जो एन टू एन है। एन टू एन का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू भी नेचुरल नंबर होगी, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जो आपके पास ये पेयर है फर्स्ट वाली वैल्यू भी नेचुरल नंबर होगी और सेकंड वैल्यू भी नेचुरल नंबर होगी। और आर में हम उन पेयर्स को लेंगे जिनमें दोनों नंबर नेचुरल होंगे एंड फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का स्क्वायर होगा। हम उन पेयर्स को किस में लिखेंगे, आर में लिखेंगे। तो क्या मैं इसमें 1 1 लिख सकता हूँ, 1 2 लिख सकता हूँ, 1 3 नहीं लिख सकता, 2 4 4 2 2 4 नहीं 4 2 क्योंकि फर्स्ट नंबर इस सेकंड का स्क्वायर है तो 4 2 आ जाएगा। 4 1 लिख सकते हैं नहीं, 4 3 लिख सकते हैं नहीं। तो आपको पता चल गया किनको लिख सकते हैं किनको नहीं लिख सकते। ये कह रहे हैं चाहे कोई भी नेचुरल नंबर हो आप ये लिख सकते हैं, इज दिस ट्रू और फॉल्स। तो हम 2 की बात करते हैं सपोज, क्योंकि उन्होंने बोला है सबके लिए तो हमने कहा 2 2 तो क्या ये ट्रू होगा। इसका मतलब है फर्स्ट वाला सेकंड का स्क्वायर है, इज दिस ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। तो आप इसे लिख देंगे सीधे फॉल्स है, ठीक है ओके। फिर इन्होंने कहा अगर कोई पेयर आर को बिलोंग करता है तो उसका रिवर्स भी इनवर्स भी बिलोंग करेगा। जैसे मैं कहता हूँ 4 2 आर को बिलोंग करता है, हाँ या ना। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं 2 4 भी आर को बिलोंग करेगा। अगर 2 4 आर को बिलोंग करेगा दैट मीन्स 2 = 4 का स्क्वायर, इज दिस ट्रू, नो। तो इसका ये भी ट्रू नहीं है। तो ये भी कैसा आया, फॉल्स आया। सॉरी वहाँ आ गया। नेक्स्ट कहते हैं ए भी बिलोंग करता है बी सी बिलोंग करता है तो कहो ए सी भी बिलोंग करेगा, ठीक है ओके। तो हमने क्या सोचा, यहाँ लिखा 2 तो यहाँ लिखा 4, क्या 4 2 आर को बिलोंग करेगा ओके। और फिर मैंने यहाँ 4 लिखा यहाँ 16 लिख दिया, क्या ये आर को बिलोंग करेगा। देखो मेथड क्या है, वहाँ लिखा हुआ है सेकेंड फर्स्ट जो है वो सेकंड का स्क्वायर है, क्या फर्स्ट सेकंड का स्क्वायर है, क्या फर्स्ट सेकंड का स्क्वायर है। तो ए बी आर को बिलोंग करता है बी सी आर को बिलोंग करता है, दैट मीन्स हमें चेक करना है ए सी आर को बिलोंग करता है नहीं। ए कौन 16 और सी कौन 2, तो क्या अब आप ये कह सकते हो 16 2 आर को बिलोंग करेगा। इसका मतलब है 16 किसके इक्वल होना चाहिए, 2 स्क्वायर के। ये तो ट्रू नहीं है, दैट मीन्स ये भी बिलोंग नहीं करता। तो फिर से ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें शो करना है fx = -f(1/x)। देखिए जब भी कोई चीज़ प्रूव करनी होती है उसमें एक LHS होती है और एक RHS होती है, या तो LHS से RHS लिया हो या RHS से LHS लिया हो। आप देखो आपको LHS में fx की रिक्वायरमेंट, fx तो ऑलरेडी आपको गिवन है तो fx तो निकालने की जरूरत नहीं। इसका मतलब आपको क्वेश्चन को LHS से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहिए RHS से। अब RHS हम देखते हैं, हम RHS की वैल्यू को फाइंड करेंगे। RHS में है हमारे पास माइनस का f(1/x)। आप देखिए x की जगह आपको क्या नज़र आ रहा है, 1/x। तो राइट साइड में भी आप x की जगह क्या लिख दो, 1/x। तो ये बन जाएगा आपका माइनस 1/x माइनस 1 अपॉन में 1/x प्लस 1।
एलसीएम लिया तो बना 1 - x / x / 1 + x / x, x से x हो गया कैंसिल। अब इस माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x - 1 / क्या है x + 1, और ये हो गया आपका fx मतलब LHS, और यही आपको प्रूव करना था।